मैं यहाँ हूँ आपके कदमों में। Hey lads, how's it going? My name is Asnain Tariq और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ ज़मीन पे क्यों बैठा हूँ? Well, recently मैं काफ़ी ज़्यादा projects पे काम कर रहा था और मेरी पूरी कोशिश थी कि हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो अपलोड की जाए। As a matter of fact, एक वीडियो मैंने last Monday को भी अपलोड करनी थी, लेकिन फिर sponsor की तरफ से हुक्म आया कि फ़िलहाल के लिए वीडियो को होल्ड कर दो। तो मैंने कहा ओके, वाई नॉट एज लॉन्ग एज। अब यार मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा एडवांस्ड इक्विपमेंट नहीं है, ना मेरे पास गिम्बल है, ना मेरे पास फास्ट लेंस है, ना मेरे कैमरा में किसी किस्म की स्टेबलाइजेशन है। तो जब भी मैं प्रोडक्ट शॉट्स बना रहा होता हूँ, एक हाथ से मुझे अपने सारे कैमरे को स्टेबल रखना पड़ता है, दूसरे हाथ से मुझे उसके फोकस को मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। तो बस 2-3 घंटे कमर झुका के सांप की तरह यूं ही होता रहता हूँ। दिस कम्बाइंड विद अ होल लाइफ ऑफ अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी रूटीन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल obviously had to have a negative impact on my life. तो अब मेरी कमर एक ऐसे पॉइंट पे आ गई है कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा अपने सेटअप के ऊपर टाइम नहीं गुजार सकता। काम करने के दौरान मुझे बीच में ब्रेक लेके या तो वॉक करके आनी पड़ती है या वैसे ही बिस्तर पे लेट के थोड़ी देर आराम करना पड़ता है और तब जाके मेरा काम होता है। एंड दिस वॉज हैवीली अफेक्टिंग माई प्रोडक्टिविटी एंड माई हेल्थ एज वेल। तो मैंने सोचा कि जब मेरा सारा काम, मेरी सारी जिंदगी इसी टेबल के अराउंड है, आई शुड इन्वेस्ट इन दी प्रॉपर इक्विपमेंट। उसी इक्विपमेंट का हिस्सा एक प्रॉपर कम्फर्टेबल चेयर भी थी। और जब ये बात AU टेक्नोलॉजीज को पता चली तो दे वर लाइक, हैं पाकिस्तान के इतने जबरदस्त टेक यूट्यूबर को इतनी परेशानी? दे वर नाइस इनफ टू सेंड मी अ ब्रांड न्यू कूगर आर्मर प्रो गेमिंग चेयर। AU टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान के लीडिंग टेक डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक हैं। दे हैव वर्क्ड वेरी हार्ड फॉर द गेमिंग कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान एंड हैव ब्रॉट फॉर अस ऑफिशियल ब्रांड्स लाइक रेजर, कूगर, सैफायर एंड मेनी मोर। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत जल्द ये लोग और भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट ब्रांड्स को पाकिस्तान के अंदर लेकर आने वाले हैं। आई डोंट नो इफ आई एम सपोज्ड टू टेल यू दिस येट, लेकिन अगर मैं आपकी जगह पे होता और मुझे एक ग्राफिक कार्ड परचेस करना होता तो मैं कुछ अरसे तक इंतजार कर लेता। थैंक्स टू AU टेक्नोलॉजीज फॉर इंप्रूविंग आवर कम्युनिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माय गेमिंग चेयर। All right, I'm sure अब इस चेयर के लिए आप लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। आज की वीडियो में हम इस चेयर को अनबॉक्स करेंगे, इसको असेंबल करेंगे और फिर फाइनली मैं जिंदगी में पहली बार एक गेमिंग चेयर को यूज करके अपना ओपिनियन दूंगा। इज इट वर्थ इट? क्या जरूरी है कि कम्फर्ट के लिए इतनी महंगी एक चेयर खरीदी जाए या फिर नॉर्मल इकोनॉमिकल ऑप्शन से भी काम चलाया जा सकता है? तो बगैर टाइम जाया किए लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स को खोलते ही आपको सबसे पहले एक 5-स्टार मेटल बेस मिलती है, विच हैज अ रियली नाइस फिनिश एंड फील्स सॉलिड। चेयर्स में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि या तो आपके टायर्स टूट जाते हैं या आपकी बेस टेढ़ी हो जाती है या फिर ओवरऑल आपकी चेयर ही वॉबल करना शुरू कर देती है। तो इसकी क्वालिटी को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इसमें ऐसा सच कोई इशू आएगा। इट हैज अ वेरी नाइस क्वालिटी इन माय ओपिनियन। देन यू गेट टू द एक्चुअल बैक ऑफ द चेयर। जैसा मैंने सोचा था, ये उससे काफी बेहतर क्वालिटी की है। द लेदर लुक्स प्रीमियम और साइड्स पर स्वेड से एक आउटलाइन है जो कि अगर थोड़ा सा ब्राइट होता तो ज्यादा अच्छा लगता, बट इट फील्स अमेजिंग एंड इज डेफिनेटली अ नाइस टच। देन यू गेट टू द सीट of the chair, same material, same quality. उतना ज्यादा कुशी नहीं है जितना मैंने सोचा था कि होगी, but I guess it is a good thing क्योंकि longer run में ये ज्यादा durable भी होगी। उसके बाद आपको चेयर के आर्म्स मिलते हैं जिसका मटेरियल थोड़ा बहुत प्लास्टिक का लग रहा है, लेकिन ओवरऑल ये टॉप से थोड़ा सा सॉफ्ट भी है। सो आई रियली डोंट नो विच मटीरियल दिस इज, लेकिन इसकी बेस मेटल है, सो दैट्स अ गुड थिंग। और आप इसको 3D प्लेन के अंदर एडजस्ट भी कर सकते हो, आप इसकी हाइट को चेंज कर सकते हो, आप इसको रोटेट कर सकते हो और आई गेस आप इसको आगे और पीछे भी कर सकते हो, डिपेंडिंग आपको किस तरह से अपने हैंड्स को पोजीशन करना है। सो या इट्स अ गुड थिंग। फाइनली यू गेट अदर कंपोनेंट्स लाइक गैस लिफ्ट सिलेंडर, टायर्स, सीट बेस, टूल्स एंड मैनुअल वगैरह। सो आई गेस दिस इज इट, लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग। फर्स्ट स्टेप, वी नीड टू असेंबल द बैक ऑफ द चेयर एंड द सीट ऑफ द चेयर। तो आपने चेयर के दोनों पार्ट्स को साथ लगा के अलाइन कर देना है और फिर इसको स्क्रूज से टाइट कर देना है। और पूरा टाइट ना कर देना, लीव सम विगल रूम ताकि आप दूसरी साइड के स्क्रूज को भी सही से लगा सको। इसके बाद आपने इस एरिया को प्रोवाइडेड लिड के साथ कवर कर देना है, इट विल फिट राइट इन टू इट्स प्लेस। और फिर आपने इसको स्क्रू करके टॉप पे कैप लगा देना है। फाइनली काफी जद्दोजहद के बाद हमने इस पार्ट को असेंबल कर दिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू असेंबल द बेस। अब यहाँ पे आपने इसकी 5-स्टार मेटल बेस के अंदर अपने टायर्स को अटैच कर देना है, जो कि काफी इजी प्रोसेस है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। बस करेक्ट एंगल ढूंढ के प्रेस करोगे तो इट विल स्नैप राइट इन।
टायर्स को अटैच करने के बाद आपने इसमें अटैच करना है गैस सिलेंडर। ये भी काफी इजी प्रोसेस है, आपको बस इसे सेंटर में प्लेस कर देना है एंड दैट इज लिटरली इट। एट लास्ट यू कवर इट विद दिस वियर्ड कोन शेप्ड थिंग। मेरे ख्याल से ये इसका कवर है शायद। अब आपने अपनी पूरी चेयर को उल्टा करके इस पे आर्म्स को अटैच करना है एंड इट इज अ फेयरली इजी प्रोसेस। और आप इसको अपनी मर्जी की विड्थ के हिसाब से भी सेट कर सकते हो। अब यार इसको आप लोग मैनुअल के हिसाब से ही करना, हमने इस स्टेप को जरा थोड़े से उल्टे तरीके से कर दिया है। मतलब हम तो यूट्यूबर है ना, हम कर सकते हैं। आर्म्स को अटैच करने के बाद आपने सीट के साथ उसकी बेस को अटैच कर देना है। अब ये पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट को आपने सीट के साथ पहले अटैच करना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इसको पूरी मेटल बेस के साथ ही पहले अटैच कर दिया है। अभी मुंह टूट जाना था मेरा, लेकिन पहले ही हमने इसको अटैच कर दिया और एक दफा ये लग जाए तो फिर ये वापस अंडू नहीं हो सकता, तो माजरत। खैर बेस को आपने सीट पे रख के उसको चारों साइड से अच्छी तरह से स्क्रू कर देना है और उसके बाद आपने अपनी पूरी चेयर को उठाकर गैस सिलेंडर के ऊपर बिल्कुल ऐसे ड्रॉप कर देना है, इट विल फिट राइट इन। और उसके बाद आप चेयर को जितना मर्जी उठा लो वो दोबारा से डिटैच नहीं होगा, तो या इट्स प्रीटी सॉलिड, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। ऑल राइट गाइस, दिस इज इट, फाइनली माय चेयर इज डन, माय चेयर इज कंप्लीट। इसको बनाने के लिए मैं पिछले 3-4 घंटे से ख्वारी कर रहा हूँ एंड लेट मी जस्ट टेल यू दैट इट वॉज वर्थ इट। आई मीन 100% वर्थ इट। जस्ट लुक एट दिस, द डिज़ाइन, द टेक्सचर, ये सॉफ्ट है यार, इट्स जस्ट ऑसम। और ये स्वेड बहुत ज़बरदस्त है। और मैचिंग चेक करो भाइयों की, कमाल यार। मेरा दिल नहीं कर रहा इस चेयर पर बैठने का, मुझे लगता है आई एम नॉट इवन वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन अ चेयर दिस गुड, बट वीडियो के लिए बैठना पड़ेगा। और मतलब क्यों बैठना पड़ेगा यार, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस। एनीवेज, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ए प्रॉपर गेमिंग चेयर एंड हियर गोज नथिंग। ये तो छोटी है। नहीं, एक सेकेंड। ओह दिस इज नाइस। Oh, मेरे कराके निकल गए कमर के। I have so many positive things to say about this chair. Just so many positive things to say about this chair. लेकिन वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इसके रिव्यू में। अभी के लिए मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि काश इस चेयर में कहीं ना कहीं, मे बी इस लोगो में या कहीं पे भी एक RGB लाइट होती, that would have been just awesome, क्योंकि फिर हम कह सकते थे पतिया है यार इसमें, यार ये नाइस है। Alright guys, so this is what my new chair looks like in my setup. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चेयर मेरे सेटअप में किस तरह की लग रही है। सबसे पहली चीज़ जो मैं नोटिस कर सकता हूँ वो ये है कि मेरी जो बैकग्राउंड पे स्क्रीन आती है वो काफ़ी हद तक छुप गई है एंड आई नो दैट दिस सक्स, लेकिन बहुत जल्दी मैं अपने पूरे चैनल की लुक को ही बदलने वाला था, सो इट रियली डजंट मैटर। एनीवेज, अब थोड़ी सी बात इस चेयर के फीचर्स के ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसके साइड्स पे एक काफ़ी सॉफ्ट, स्मूथ, स्वेट टेक्सचर मिलता है जो कि यूजुअली आपको मेहंदी पे पहनने वाले कोट्स के अंदर भी नजर आता है। इस सीट का मटेरियल ब्रीदेबल PVC लेदर का है, विच बेसिकली मींस कि आप इस चेयर को गर्मियों में अपनी तशरीफ के जलने की टेंशन लिए बगैर इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको इसमें हेड और लंबर सपोर्ट कुशंस भी मिलते हैं जो कि अगर किसी गेमिंग चेयर में ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। इस चेयर का फ्रेम स्टील से बनाया गया है जो कि इसको अल्टीमेट ड्यूरेबिलिटी देता है, और उसी के साथ साथ इसके अंदर क्लास 4 क्वालिटी का गैस लिफ्ट सिलेंडर यूज किया गया है जिससे आप इसको वर्टिकली किसी भी पोजिशन के ऊपर एडजस्ट कर सकते हो। फाइनली आप इस चेयर को 170 डिग्रीज तक किसी भी एंगल पे रिक्लाइन करके रोक भी सकते हो, और ये इस चेयर का बेस्ट फीचर है। अब मैं इस चेयर को ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका एक बेसिक रिव्यू दे सकता हूँ। टाइम के साथ साथ मैं इसकी ड्यूरेबिलिटी का रिव्यू भी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपडेट करता जाऊंगा, तो आप उसको चेक कर सकते हो। सो माई एक्सपीरियंस सो फार इज कम्फर्टेबल एंड अनकम्फर्टेबल एज वेल। अब मैं समझाता हूँ, कंफर्टेबल ये चेयर इस तरह से है कि मैं घंटों इसके ऊपर बैठ के काम करता रहता हूँ और मुझे बैक पेन काफ़ी कम होती है। खास तौर पे इसका रिक्लाइन मोड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। पहले मैं बेड पे लेट के सीजन देखता था, लेकिन जब से ये चेयर आई है मैं इसी को रिक्लाइन करके इसी पे लेट कर अपने सीजन देखता हूँ। इट इज़ जस्ट दैट कम्फर्टेबल। डिसकम्फर्ट की बात करें तो वो इस चेयर का नहीं, वो मेरा इशू है। माई बॉडी इज़ नॉट यूज टू अपराइट पॉस्चर। मुझे सारी ज़िंदगी आदत रही है स्लाउच करके बैठने की, आगे झुक के बैठने की,
की, तो अब जब जबरदस्ती मुझे सीधा बिठाया जा रहा है, इट जस्ट फील्स अननेचुरल एंड अनईजी। लेकिन टाइम के साथ साथ आई विल गेट यूज टू इट, और लॉन्गर रन में ये मेरी हेल्थ के लिए और मेरे पॉस्चर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन इस सीट से मुझे थोड़े से इश्यूज भी हैं। सबसे पहला इशू मेरा ये है कि इस चेयर के आर्म रेस्ट को थोड़ा सा लंबा होना चाहिए था, या फिर इनको और पीछे करने की ऑप्शन होनी चाहिए थी, क्योंकि फिलहाल अपराइट पोजीशन के अंदर तो इनकी प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं सीट को रिक्लाइन करूं तो इनको फुल पीछे करने के बाद भी आप इनके ऊपर अपने आर्म्स को प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर सकते, और फिर अल्टीमेटली आपको अपने बाजू गोद में रख के बैठना पड़ता है। सो या द आर्म रेस्ट शुड हैव बीन अ लिटिल बिट लॉन्गर, या उनको और पीछे करने की ऑप्शन होनी चाहिए थी। दूसरा इशू भी मेरा आर्म रेस्ट से रिलेटेड ही है। इसकी वर्टिकल पोजिशनिंग का लॉक तो जरूर है, लेकिन इसमें रोटेशन का कोई लॉक नहीं है। तो अगर इस चेयर को मूव करने के लिए इसको आर्म रेस्ट से पकड़ के खींचा जाए तो चेयर वहीं पे रह जाती है, और आर्म रेस्ट रोटेट करके आपका हाथ उसके ऊपर से स्लिप हो जाता है। सो दैट इज अ लिटिल बिट अनोइंग। इसलिए अगर इसके अंदर रोटेशन का लॉक भी होता तो दैट वुड हैव बीन नाइस एज वेल। ओवरऑल द प्रोज ऑफ दिस चेयर ग्रेटली आउटनंबर द कॉन्स ऑफ दिस चेयर, सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक अच्छी चेयर का मेन मकसद आपकी बैक को सपोर्ट देना होता है, और ये चीज आप एक नॉर्मल सिंपल एर्गोनॉमिक 10-15 हज़ार वाली ऑफिस चेयर से भी हासिल कर सकते हो। अलबत्ता मुझे मेरी लास्ट ऑफिस चेयर के अंदर इशू ये आया था कि एक तो उसका फ्रेम टेढ़ा हो गया था तो वो हर वक्त हिलती रहती थी, दूसरा उसका लेदर सारा स्क्विश हो गया था सो इट वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल, और तीसरा उसका टायर भी टूट गया था तो दैट वॉज जस्ट अ मेस। तो ऐसी ऑफिस चेयर्स कितना ड्यूरेबल है, कितना कम्फर्टेबल है, इसकी गारंटी मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन इस चेयर की गारंटी आपको AU टेक्नोलॉजीज देते हैं। दे गिव यू 1 week सेटिस्फेक्शन गारंटी। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती तो आप इस पे फुल रिफंड क्लेम कर सकते हो, और इसी के साथ साथ ये आपको 1 year की मैन्युफैक्चरर्स वारंटी भी देते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में किसी भी किस्म का कोई मसला आ जाता है, कोई चीज खराब हो जाती है, तो आप इसको रिफंड करवा सकते हो, इसको रिप्लेस करवा सकते हो, या इसको रिपेयर करवा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो। और मेरे सब्सक्राइबर्स और RGB फैमिली के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी है, सो मेक श्योर टू यूज द कूपन ब्राउन लैड ऑन योर चेकआउट। वीडियो खत्म करने से पहले अ ह्यूज शाउट आउट टू सकलैन बिन सईद फॉर द बेस्ट कैप्शन ऑन माय इंस्टाग्राम पोस्ट। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स अप, इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स डाउन, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड न्यू कंटेंट। इसी के साथ साथ ये वीडियो होती है खत्म। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। That was the weirdest outro of my life. अच्छा यार, आप लोगों से एक छोटी सी ऑफ टॉपिक रिक्वेस्ट है। आज से कुछ अरसा पहले एक काफी ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मिलियंस का नुकसान हो गया था। आई फील सॉरी फॉर everyone who lost their business, who lost their livelihood. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों ने ऑलरेडी अपने बिजनेस को रीएस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया है। उन्हीं कुछ लोगों में से ऐसे सेलर्स भी हैं जिनके साथ मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रह चुका है, जैसे कि गेम्स एंड गीक्स, ZI कंप्यूटर्स, RB टेक एंड गेम्स एंड मेनी मोर। और ये तमाम लोग शिफ्ट कर गए एक न्यू प्लाजा में विच इज अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम हफीज सेंटर। तो आप लोगों से मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इन सब की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और न्यू एड्रेस को मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, डू चेक देम आउट। दीज गाइज डिजर्व इट, दे नीड इट। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।